स्वागत है आप सभी का रॉन्ग रन पार्ट टू में। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और पार्ट वन को जरूर देखिए। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक कार से जंगल में जा रही होती है, जिसका नाम होता है किम्बरली। लेकिन तभी किम्बरली के सामने अचानक से कोई आदमी आ जाता है जिसे वह ठोक देती है। वह आदमी को ठोकने की वजह से वह गाड़ी रोक देती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह गाड़ी रोक कर उस आदमी के पास जाती है, लेकिन तभी वह आदमी किम्बरली के मुँह पर काट लेता है, जिसकी वजह से वह चिल्लाकर भागने लगती है। और पीछे जाती है तो एक और राक्षस आकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बीचों बीच से काट कर दोनों किम्बरली के दोनों पार्ट्स को एक एक करके लेकर खींचते लेकर जाने लगते हैं। और फिर मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कैंप को जहाँ पर एक शो की शूटिंग होने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेल, कर्नल डेल को, जो कि सब इस शो को बना रहे होते हैं। वह सभी एक्टर्स को वहाँ पर लाते हैं और जंगल में सभी को एक टास्क देते हैं कि जो भी जंगल में सर्वाइव करेगा उसे वह बहुत सारा पैसा देंगे। ये सभी पैसे के लालच में जंगल में आए होते हैं। इन सभी को तीन टीमों में बांट कर डैनियल भेज देता है और पहली टीम में दिखाते हैं नीना और मारा को और दूसरी टीम में दिखाते हैं जॉनियस और एम्बर को। फिर हमें दिखाते हैं कि नीना और एम्बर ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। वह लगे हुए कपड़ों रैल कपड़ों को उठा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किसी ने कर्नल को पकड़ लिया है और वह कोई नहीं बल्कि आदमखोर होता है, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वह कर्नल को पकड़ कर उल्टा लटका देता है और उसे चाकू से मारने लगता है। अब एक इंसान को वह काट कर वहाँ पर बैठा होता है। यह देख कर कर्नल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह अपने चाकू को पॉइंट करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में बने एक घर को जहाँ पर कुछ आदमखोर रह रहे होते हैं और उन्हें एक बेबी होने वाला होता है। तभी वहाँ पर पहुँच जाती हैं नीना और मारा। दोनों उस घर में जाते हैं और घर में जाकर उस आदमखोर की शक्ल देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कोई मारा को पीछे से कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो कुल्हाड़ी उसके सर में सीधे जाकर गड़ जाती है और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर वह आदमखोर नीना को दौड़ा लेता है और उस पर काफ़ी तेज चलाता है, लेकिन नीना किसी तरीके से बच कर वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर लुक जाती है। वहाँ पर चुपचाप लेटी होती है, लेकिन तभी वह आदमखोर एक किसी को पकड़ कर मार कर गाड़ी पर लटका कर आता है और कटी हुई उंगली को खा रहा होता है। फिर वो उंगली नीना के पास फेंक देता है। यह देखकर नीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दो आदमखोरों को जो आपस में झगड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलिना को, जो कि एक नदी के किनारे अकेले होती है। यह देखकर वो दोनों आदमखोर वहाँ पर आते हैं और एलिना को मार देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, उसकी पूरी पीठ को काट कर मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है फिर वो आदमखोर उस गाड़ी पर लगे हुए इंसान को, वो और कहीं नहीं बल्कि मारा होती है, मारा के शरीर को वहाँ पर रखते हैं और उसे काटने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कर्नल को, जो कि वहाँ पर बंधा हुआ होता है। वह इसी तरीके से आदमखोर को धक्का देता है और एक पड़े हुए जमीन पर चाकू को उठाकर अपने हाथ खोल लेता है और फिर वह आदमखोर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आदमखोर और कर्नल के बीच काफ़ी बड़ी फाइट होती है, जहाँ पर कर्नल उस आदमखोर को गन से शूट कर देते हैं और वह जाकर सीधा पानी में गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वैन को जिसमें सही बैठ कर आए होते हैं, वहाँ पर होता है एम, जो कि सब पर नज़र रख रहा होता है। फिर कुछ आदमखोर आकर एम को वहाँ पर किडनैप कर लेते हैं और उसे भी लेकर जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेक, जॉन्सी, एम्बर वहाँ पर पड़े हुए बने हुए मीट को खा रहे होते हैं, जहाँ पर एलिना आती है और उन्हें मारा के बारे में बताती है। पर यह सब जॉन्सी को मजाक लगता है और वह काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है नीना किसी तरीके से उन पर विश्वास दिलाती है, जहाँ पर वो देखते हैं बॉडी में एक टैटू छपा हुआ और वह इतने इंसानों को खा रहा था, जिससे कि सब उल्टी होते वहाँ से भाग लेते हैं और उन्हें जंगल में कुछ ट्रैप दिखते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कर्नल को, जो कि उस आदमखोर को मार कर एक घर में गया हुआ है और वहाँ पर होता है उन आदमखोर का पिता मेनार्ड। मेनार्ड वहाँ पर होता है बहुत ही स्टार्टिंग से और सभी आदमखोरों को उसने ही बनाए होते हैं। तभी मेनार्ड कर्नल को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर कर्नल एक बम उसके पसेर में लगा कर वहाँ से भागता है और वह फट जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ आदमखोर को जो कि फाइट करते हैं इन लोगों से, पर वहाँ पर सभी जैक और मीना वहाँ से भाग जाते हैं और फिर मीना एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर जैक उसे निकालता है और उसका सोल्जर वहाँ पर अटक जाता है और फिर उसके शरीर में काफ़ी पेन होने लगता है। यहाँ पर मीना उसका सोल्जर काफ़ी झटके से ठीक करती है और फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों भागने लगते हैं और वह आदमखोर उन लोगों को दौड़ाने लगता है, सोट करता है, लेकिन तभी वो दोनों पानी में कूद कर बच जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कर्नल को, जो कि अपने गिरोह को रेडी करके उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार है। तभी यहाँ पर जॉन्सी एक जाल में फंस जाता है और पेड़ पर लटकने लगता है, जहाँ पर एम्बर उसकी मदद करती है, पर एम्बर भी फंस जाती है और दोनों को एक तीर से शूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों वहीं पर मर जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एलिना और जैक को, जो कि भागते भागते वाइन के पास पहुँचते हैं, जो कि एक फैक्ट्री में खड़ी होती है। वह वाइन के अंदर जाते हैं, पर यहाँ पर भी एक ट्रैप लगा होता है, जिसकी वजह से दोनों पकड़ जाते हैं और दोनों को बांध दिया जाता है तारों से। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब डिनर करने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पर
किसी तरीके से कर्नल चुपचाप अंदर आते हैं और दोनों को वहाँ से छुड़ाकर भगाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमखोर आ जाता है जो कि कर्नल को पीछे से तीर से मार देता है और कर्नल की वहीं डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जेक को, जिसे कि वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं और एलिना वहाँ पर तभी आती है और उस आदमखोर के गर्दन पर बैठ कर लटक कर उसकी गर्दन की काट लेती है, जिसकी वजह से आदमखोर जैक को छोड़ देता है। और फिर जैक उस आदमखोर को उठाकर उसी मशीन में डाल देता है, जहाँ से सभी मशीन में जाने के बाद चटनी बन जाता है और उसी मशीन में जाने के बाद वह आदमखोर भी मर जाता है। फिर उस आदमखोर की जो वाइफ होती है वह उस एलिना पर अटैक करती है, लेकिन फिर दोनों मिलकर एलिना और जैक मिलकर उसे भी उसी मशीन में डाल देते हैं और इस तरह सभी आदमखोर मर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जैक और एलिना को, जो कि स्टार्टिंग वाली लड़की के मतलब किम्बरली की गाड़ी में बैठ लेते हैं और उसी की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर ये मूवी एंड नहीं होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग किस केमिकल से बने हैं, जो कि नदी में तैरकर जा रहा होता है। यह केमिकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर और इनका अजीब चेहरा हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वह केमिकल एक नल में आदमखोर भरकर अपने बेबीज को पिला रहे हैं, जिसकी वजह से बेबीज इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वह आदमी खाते हैं। मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।